अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2018 एमसीक्यूज जो पूछे गए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके, आज इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। बेटा सवाल पूछा गया, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एस टू पावर 20। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 20 है, एक्सपेंड करने पर 21 टर्म्स मिलेंगी। ये जो पावर है n, पावर 20 है, इस पावर को इवन नंबर का नाम देंगे। तो अगर इवन नंबर हो उस सूरत में, पावर इवन हो उस सूरत में, वी गेट वन मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म हम हासिल करेंगे, वन मिडिल टर्म। वो एक मिडिल टर्म मालूम करने का फार्मूला होता है n अपॉन 2 प्लस 1, ये फार्मूला है क्या मालूम करने का, मिडिल टर्म मालूम करने का उस वक्त जब पावर जो है वो इवन पावर आ रही हो। बट यहाँ n की जगह हम लिखेंगे 20, उसे कैंसिल कर दें, 2 टेंजा 10 प्लस 1 11 टर्म। तो इस एक्सप्रेशन में पावर बाइनोमियल की पावर 20 है, एक्सपेंड करने पर 21 टर्म मिलेंगी और 11वीं टर्म विल बी द मिडिल टर्म, 11वीं टर्म विल बी द मिडिल टर्म। इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म जो है वो 11 टर्म होगी। इस पार्ट में पूछा गया n इक्वल टू 0, n को आप 0 मान लें और फिर बताइए n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n की जगह हम सब्टीट्यूट कर देंगे 0। तो बेटा ये पढ़ा जाएगा 0 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 प्लस 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, 1 अपॉन 1 क्या लिख सकते हैं आप, 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 के बराबर हासिल होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 30। ऐसा एक्सप्रेशन आप फार्मूले की शक्ल में पढ़ चुके हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये एक्सपेंशन है किसका, साइन अल्फा माइनस बीटा का एक्सपेंशन है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ प्लस साइन होती तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा लिखते, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा में, अल्फा ये है बीटा ये है, अल्फा ये है बीटा ये है, अल्फा कितना है 60 डिग्री माइनस बीटा कितना है 30 डिग्री, 60 माइनस 30 30 डिग्री के बराबर आएगा और साइन 30 जो है ये इक्विवेलेंट होगा, कैलकुलेटर में मालूम कर सकते हैं। और याद रखिएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और देखें कहा जा रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ गामा इक्वल टू 90 डिग्री देन लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमने पढ़ा है ए स्क्वायर की शक्ल में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए है तो अल्फा हो जाएगा, ये कोसाइन लॉ का फार्मूला है। लेकिन एंगल गामा अगर इस्तेमाल करना है तो आप ए स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करें, उस सूरत में सी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें। वो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ एंगल गामा दिया हुआ है 90 डिग्री, सब्टीट्यूट कर देंगे सी स्क्वायर ये कॉस ऑफ 90 डिग्री आप रिप्लेस करेंगे, कॉस 90 डिग्री आपको याद होना चाहिए ये 0 के बराबर होता है, माइनस 2ab कॉस 90 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन चारों में ये सी स्क्वायर
इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा गया, इन आई स्क्राइब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल स्क्राइब किया गया और उस सूरत में डेल्टा अपॉन आर थ्री की वैल्यू ये बताना है। आप जानते हैं आर थ्री रेडियस है एक सर्किल का, स्क्राइब सर्किल का रेडियस है, इसका फार्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस सी के बराबर होता है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा आर थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा एस माइनस सी इक्वल होगा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। आपने डेल्टा अपॉन आर थ्री बनाना है, आर थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, आर थ्री यहाँ पर लेकर आ जाए या आर थ्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एस माइनस सी। तो आप कह सकेंगे डेल्टा अपॉन आर थ्री एस माइनस सी, डेल्टा अपॉन आर थ्री एस माइनस सी के बराबर आ जाएगा। अब बेटा इसमें पार्ट पूछा गया, आर गिवन है आर कॉस थीटा इक्वल टू फोर, आर साइन थीटा इक्वल टू थ्री, आर की वैल्यू मालूम करनी है। क्या गिवन है, आर कॉस थीटा फोर के बराबर है, आर साइन थीटा ये इक्वल है थ्री के इक्वल है। अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायरिंग कर लें, इधर स्क्वायरिंग करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर स्क्वायरिंग करेंगे 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर किया जाएगा 9 पढ़ा जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, 16 और 9 25 आ जाएगा। यहाँ ऐड करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वेल नोन फार्मूला है, क्या फार्मूला याद है आपको, यकीनन इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, 25 लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर की वैल्यू 5 अंडर रूट ऑफ 25, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस इज़ अ पॉजिटिव क्वान्टिटी, तो यहाँ आर की वैल्यू 5 के बराबर हासिल हो जाएगी। अच्छा बेटा आप जानते हैं किसी भी एंगल को डिग्री में लिखा हुआ है रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उस सूरत में उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सुने, किसी भी एंगल जो डिग्री में लिखा हुआ है रेडियन बनाना हो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें, रेडियन में कन्वर्ट होगा। इस क्वेश्चन में 10.5 डिग्री है, 10.5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 10.5 डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम, क्या होगा अगर ये डेसिमल पॉइंट को हटा दिया जाए तो बेटा ये 105 होगा, डेसिमल की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 के इक्वल आ जाएगा। और हम सॉल्व करें, 5 का टेबल पढ़ें तो 5 टू ज़ा 10 और 5 वन ज़ा 5, फिर आप जो है वो टेबल पढ़ा जाए 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 6 ज़ा, छोड़ा अब हमने इसको 60 आ गया, अभी 21 और 60 डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल में, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा और ये 0 आ जाएगा। अब आप देखें ऊपर आपको मिलेगा 7 पाई, ऊपर क्या मिलेगा 7 पाई, नीचे 20 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉरी ये हमने 60 कर दिया 7 के साथ, ये 60 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 120 पढ़ा जाएगा, तो ओवरऑल जवाब आपको मिलेगा 7 पाई अपॉन 120 के बराबर हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास पूछा गया है द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ द लेटर कमेटी, ये एक वर्ड लिखा हुआ है COMMITEE। अब यहाँ मैं आपसे कहूँ काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की काउंटिंग करेंगे, C लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, M लिखा है, ये I है, T है, E है, N C जो है ओनली वन टाइम, O जो है ओनली वन टाइम, M जो है वो यहाँ पे वन टाइम टू टाइम है, I जो है वो I यहाँ पर वन टाइम है, T टू टाइम लिखा हुआ है,
पी टू टाइम लिखा हुआ है। अब इसको काउंट करेंगे, टू प्लस टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वर्ड परमोटेशन में। ऊपर एन है तो नाइन लिख देंगे, नीचे तमाम कंपोनेंट ब्रैकेट में लिख देंगे, वन वन टू वन टू और ये टू। आप चाहें तो वन को ना लिखें क्योंकि डिनोमिनेटर में वन फैक्टोरियल वन के बराबर होता है। तो अगर वन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए क्योंकि वन फैक्टोरियल वन के बराबर होता है, तो टू टू और टू और ये नाइन पढ़ा जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए देखो बेटा, यहाँ पर अगर कम्बिनेशन में लिखा हुआ है सिक्स थ्री टू और वन लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं सिक्स फैक्टोरियल, नीचे लिखा जाता है थ्री फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय वन फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये डिवीजन में इतना काम नहीं देगा। तो यहाँ पर ये सारे, ये वाला सवाल अगर यहाँ पुट कर दें तो नाइन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल का मतलब वन होता है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनका, तो वन को हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जवाब मिलेगा नाइन टू टू टू, ये इसका रिजल्ट मिलेगा। ये पार्ट हम इससे पहले भी करा चुके थे, थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। पावर जो है वो पेपर में टू लिखी हुई है, तो अगर टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर टू लिखी हुई हो तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर टू आ जाएगी। आप जानते हैं वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो के बराबर होता है, इसे सम ऑफ रूट्स का नाम देते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ लिखोगे टू माइनस इस ब्रैकेट में माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये टू प्लस वन इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री और थ्री का स्क्वायर नाइन के बराबर होता है। आई होप इस डिस्कशन से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा और इसको एक दो मरतबा और प्रैक्टिस करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।